अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? माशाल्लाह, आई होप कि आप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। जी आज पिज़्ज़ा बनाने का मूड है और उसके लिए मैंने ये 1 कप नीम गर्म दूध लिया और उसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट डाली है। ये पाउच वाली मिलती है, इसमें फिर 1 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर डाली है और 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट। ये इन सबको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है, उसके बाद बाकी जो है फिर करते हैं इंशाल्लाह। जी ऑलमोस्ट ये ईस्ट हो गई है एक्टिवेट, तकरीबन इसका मैंने आधा घंटा छोड़ा है ऐसे ना। और ये मैंने लिए 2 कप मैदा लिया है, इसे फाइन ज़रा वो बारीक छन्नी से का छान लीजिएगा और 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल जाएगा। और ये जो दूध वाला मिक्सचर है इसको इसमें डाल के गूंदना है, बस डो इसकी नॉर्मल मुनासिब रखिएगा, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, तो फिर ये पिज़्ज़े की बेस डो जो है ज़रा अच्छी बनेगी आपकी। ये बाउल में मैंने ऑयल लगाया थोड़ा सा साइड पे सारा और ये इसका पेड़ा बन गया और इसको इसके ऊपर रख के इस पर फिर थोड़ा सा ऑयल लगाना, ज़रा थोड़ी सी ग्रीस कर दें और इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए ना रेस्ट देनी है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये डो तो ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। ये देखिए ज़रा कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये भी देखिए ज़रा माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसमें तो हम कामयाब हो गए डो बनाने में।